एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद किटी। आज मैं आपके साथ फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ़िश करी साउथ इंडियन स्टाइल में मैं बनाऊंगी, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आप बना सकते हैं, जो बहुत टेस्टी बनता है। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 किलो पॉम्पलेट फ़िश। उसके साथ में हम पहले बघार के लिए सरसों के दाने, कुछ थोड़े से उड़द दाल के दाने, ये मेथी के दाने आधा आधा स्पून आप ले सकते हैं। यहाँ दो बड़े साइज़ के प्याज को मीडियम छोटे छोटे पीसेस में कट करके थोड़े करी लीव्स के साथ में ले लीजिए। दो मीडियम साइज़ के प्याज को पीस के ले लीजिए। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को एक मुट्ठी भर के धनिया के पत्ते के साथ में पीस लीजिए। 2 बड़े साइज़ के टमाटर को स्लाइसेस में काट के ले लीजिए। 1 मुट्ठी भर के धनिया के पत्ते, ये नारियल है, एक बड़े से नारियल को थोड़ा एक स्पून खसखस के साथ में मिला के पीस के ले लीजिए। आधा स्पून, इस स्पून से आप 2 स्पून डालेंगे तो हल्दी पाउडर, इसी स्पून से आप 3 स्पून जीरा पाउडर, इसी स्पून से आप 4 स्पून धनिया का पाउडर, इस स्पून से मैंने 3 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। हम तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए हम लोगों ने 3 चम्मच लिया, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सूखी कस्तूरी मेथी के पत्ते, 1 इमली को जो लेमन के साइज़ का रहता है उसको मैंने भिगो के पल्प बना के रख लिया है, स्वाद अनुसार नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ले सकते हैं। ये ऑयल, इस स्पून से मैंने 4 स्पून मैं ऑयल दूंगी, ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल डाल के तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डालेंगे सरसों और थोड़े उड़द के दाने, ये थोड़े मेथी दाने, इसके बाद में ये प्याज और हरी मिर्च के दाने। इन प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक हमको भूनना है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा ब्राउन होने के बाद में ये पिसा हुआ प्याज थोड़ी डाल के इसे भी अच्छे से भूनना पड़े, अच्छा ऑयल निकलने तक का भूनना प्याज के, जब ऑयल निकल जाएगा उसके बाद में टमाटर का पिसा हुआ पल्प को डाल देना, पहले इसको अच्छे से भूनना है। ऐसे तेल जब पूरा निकलना स्टार्ट हो जाए, पिसा हुआ टमाटर और धनिया का पत्ता, फिर भी अच्छे से गूंज के जब तेल अलग निकल जाए उसके बाद में पिसा हुआ पाउडर जितना है हम डालेंगे। यहाँ पर भी तेल अलग हो गया है, अब पूरे सूखे गरम सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1, 2, 3। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर दे सकते हैं। अब इसको भी तेल अलग होते तक इसको भी अच्छे से भूनना है। इसी के साथ में ड्राई कसूरी मेथी, अब जब तक तेल अलग होता है, जितना आप मसाले को भूनेंगे फिश करी में टेस्ट उससे ज़्यादा उतना ही अच्छे से आता है। थोड़ा हल्का भूनने के बाद में ये टमाटर कटा हुआ और इसमें आधा धनिया लास्ट में हमको डालना है और इसको भी अच्छे से भूनना है। ये जो इमली को था इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी में मैंने अच्छे से घोल के रख लिया, क्योंकि इसी का पानी को थोड़ा थोड़ा डाल डाल के ही भूनना है, क्योंकि इसको जितना भूनेंगे उतना टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है फिश करी में। इमली के पल्प को अच्छे से मैंने लेके स्क्वाइस करके पानी फिल्टर करके इसी पानी को आप थोड़ा थोड़ा डाल के भूनिएगा, जैसे जैसे पानी ऑब्जर्व होगा फिर थोड़ा थोड़ा डालिए, जितना आप इसको डाल डाल के भूनेंगे टेस्ट उतना अच्छे से आएगा। यहाँ पे थोड़ा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। जब ऐसा ड्राई होता है इस समय में आपको ऐसा हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना, फिर इसको अच्छे से भूनना। देखिए पूरा तेल ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भून गया है। तो ये बचा हुआ पूरा पल्प भी, इमली का पल्प भी मैं डाल के और एक 5 से 7 मिनट इसको मैं अच्छे से
भूनूंगी। और यहाँ पर उबाल आने के बाद ये पिसा हुआ नारियल और खसखस इसको ऐसे डालेंगे। इसमें पानी अभी मत डालिएगा क्योंकि मच्छी से पानी रिलीज होता है तो बहुत ज़्यादा एकदम पानी पानी हो जाएगा। जिस कटोरी में नारियल था उसी में एक कटोरी पानी कंटेंट, ये इतना ही गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा पानी में क्योंकि फिश डालते ही ये ऑटोमेटिकली थोड़ा पानी जैसा आ जाएगा, इसलिए थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा ही तरी रखिएगा। और यहाँ जब उबाल आ जाएगा तो इस समय आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम या ज़्यादा। अब स्टव को एकदम स्लो में रख के फिश को धीरे धीरे डालना है। सारे फिश को एक एक करके डाल दीजिए। गैस को एकदम स्लो, मीडियम से भी स्लो में रखना, इसको स्लो में ही पूरे फिश को हमें पकाना है। अगर आप एकदम फास्ट रखोगे तो फिश गल जाएगा और अंदर तक उसके मसाले का टेस्ट नहीं जाएगा, इसीलिए एकदम स्लो में ही आपको पकाना है। हल्का सा इसको लाइट से हल्के हाथों से प्रेस कर लीजिए बस। अब यहाँ आपको इसको ढक के सबको, हाँ बस, अब इसको ढक के आप स्लो में एक 10 मिनट 12 मिनट के बाद में जब आप देखोगे तो ऐसे ऑयल ऊपर में आना लग जाएगा। फिश को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिश ऑलमोस्ट रेडी ही हो गई है। बस ये पूरा मैंने स्लो फ्लेम में बनाया है 10 से 12 मिनट के लिए, बस फिश हमारा बन के रेडी हो गया। इसको ऊपर से डाल दीजिए, फिश फ्राई हमारा बन के रेडी हो गया। बस स्टव को ऑफ करके रेडी है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ फिश ग्रेवी सर्व करके कि कैसा बने। घर में आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बन जाती है। अगर आपको मेरी फिश करी की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ विद कीटी।